अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज साथ फ्रॉम जी एम टेक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो मेरे पास सैमसंग का A51 मोबाइल फ़ोन यूज़ में अवेलेबल है, तो आज मैं आपको अभी इसकी मार्केट की प्राइस जो चल रही है रिसेंटली वो बताऊंगा और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है और कंडीशन दिखाऊंगा। तो वीडियो आपने एंड तक देखना। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल आज ही सब्सक्राइब कर लें और रिंग बेल आइकन को प्रेस कर लें। बॉक्स के साथ मेरे पास ये अवेलेबल है, हेयर्स क्रश सिल्वर कलर में है। ये 8GB रैम है इसकी, 128GB जो इसकी स्टोरेज है। सबसे पहले मैं आपको एक बार इसकी कंडीशन चेक करवा देता हूँ। कंडीशन जो है इसकी काफ़ी अच्छी कंडीशन है, 10x10 सेट की कंडीशन है। बैक से आप जैसा कि देख रहे होंगे, किसी किस्म के आपको पाउच के भी निशान नज़र नहीं आएंगे या कोई स्क्रैच वगैरह नज़र नहीं आ रहा होगा। साइड से भी आपको मैं इसकी जो है कंडीशन चेक करवा देता हूँ। साइड भी जो है इसकी बिल्कुल साफ़ हैं, फुल 10x10 कंडीशन में सेट की कंडीशन है इस वक्त। फ्रंट से भी आपको मैं एक बार इसकी चेक करवा देता हूँ कंडीशन। फ्रंट भी जो है इसका बिल्कुल साफ़ है, कोई ग्लास वगैरह लगा नहीं हुआ अभी। जैसे कि आप देख रहे होंगे, स्क्रीन बिल्कुल साफ़ है इसकी, किसी किस्म के निशान वगैरह नहीं मिलेंगे। 10x10 सेट कह सकते हैं तकरीबन। ये 2 माह वारंटी में भी कह सकते हैं कि वारंटी भी इसकी भी रहती है। बाकी मैं आपको चेक करवा देता हूँ इसकी जो अंदर की जो स्पेसिफिकेशन वगैरह हैं वो चेक करवा देता हूँ। पहले अबाउट फोन में आके आपको इसके मॉडल नंबर चेक करवा देता हूँ। स्टोरेज यहाँ से मैं आपको इसकी चेक करवा देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे 8GB आपको जो इसकी रैम मिल जाएगी और इसकी 128GB जो इसकी स्टोरेज है। और बाकी वगैरह भी आपको बता देता हूँ। काफ़ी जो जैसे कि देख रहे होंगे कि काफ़ी स्लिम मोबाइल है। 172 ग्राम जो है इसका वेट है और बैटरी जो है इसकी 4000 mAh बैटरी है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है 15 वाट के चार्जर के साथ। बैक साइड पे आपको जो है क्वाड कैमरे मिल जाएंगे। इसमें आपको 48 MP मिल जाएगा वाइड एंगल के साथ, प्लस 12 MP मिल जाएगा अल्ट्रा वाइड एंगल, प्लस 5 MP जो है आपको मैक्रो कैमरा मिल जाएगा, प्लस 5 जो है डेप्थ सेंसर मिल जाएगा। और फ्रंट जो है आपको सिंगल कैमरा मिल जाएगा, पंच होल कैमरा 32 MP का वाइड एंगल के साथ। कैमरे क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मैंने कुछ पिक्स लिए हैं वो भी आपको चेक करवाऊंगा, बैक कैमरे की और फ्रंट कैमरे की। और चिपसेट जो है इसमें एक्सोनस लगा हुआ है 9611 का 10 नैनोमीटर के साथ, तो काफ़ी फास्ट डिवाइस है ये। रैम भी इसकी जो है 8GB रैम है। 2 वेरिएंट में आता है ये, 6GB में आता है और 8GB में आता है। तो ये जो वेरिएंट है मेरे पास 8GB रैम के साथ वेरिएंट है। और इसमें जो प्रोडक्शन है फ्रंट पे गोरिल्ला ग्लास 3 की जो है प्रोडक्शन है। फुल एचडी प्लस के आपको इसमें रेजोल्यूशन मिलते हैं 405 PPI के साथ। और सुपर एमोलेड जो है इसका डिस्प्ले है और 6.5 इंच जो है इसका स्क्रीन साइज़ है। तो बाकी जो है मैंने इसमें फिंगरप्रिंट वगैरह अपना ऐड किया हुआ, जैसे कि आपको मैं चेक करवा देता हूँ स्क्रीन पर। तो सही है, इतना फास्ट भी नहीं कह सकते, इतना स्लो भी नहीं कह सकते, एवरेज कह सकते हैं कि आप इनका एवरेज फिंगरप्रिंट काम करता है इसका। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, थोड़ा कुछ सेकंड्स डिले आते हैं इसमें। और फेस अनलॉक जैसे कि आप देख रहे होंगे वो बिल्कुल फास्ट है, उसमें किसी किस्म का आपको कुछ नहीं आएगा। बाकी जो इसमें ऑप्शंस आ रही हैं वो भी आपको मैं बारी बारी चेक करवा देता हूँ। फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक जो है मैंने चेक करवा दिया आपको। इसके अलावा डिस्प्ले में आएंगे तो इस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे आपके सामने। डिस्प्ले में आएंगे आपको डार्क मोड की ऑप्शन यहाँ से मिल जाती है। और इसके अलावा आपको इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की भी ऑप्शन दी गई है, वो भी मिल जाती है, यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा इसके कैमरे रह गए, वो भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। जो पहले ऑप्शन आ रहे हैं कैमरे में वो आपको चेक करवा देता हूँ। वाइड एंगल और अल्ट्रा वाइड एंगल का इसमें जो आपको बताया था मैंने, वो दोनों कैमरे इसमें आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर 10x तक जो है आपको जो इसमें जूम मिलता है। बाकी भी आपको मैं अभी इसकी और सेटिंग में चेक करा देता हूँ। वीडियो आप यहाँ से जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं अल्ट्रा HD 30 FPS तक। मोर में आएंगे तो इस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे आपके सामने। पोर्ट्रेट मोड की आ रही है, सुपर स्लो मोशन आ रही है, स्लो मोशन की ऑप्शन आ रही है, नाइट की आ रही है, मैक्रो की आ रही है। और पिक्चर्स वगैरह मैंने कुछ ली हैं, अब आपको मैं चेक करवाता हूँ। पहले ये इसके जो है बैक कैमरे का रिजल्ट है, क्वालिटी कैमरा इसका बैक, 48 MP कैमरा, लेकिन आउटस्टैंडिंग इसका रिजल्ट है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कलर्स वगैरह, इतनी मैंने पिक्चर को एडिट वगैरह नहीं की, नॉर्मल पिक्चर जो है क्लिक की है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है कैमरे की इसकी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कलर्स वगैरह जो है काफ़ी प्रोमिनेंट दे रहा है। इसके साथ ये इसके जो है वाइड एंगल की पिक्चर है, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाली पिक्चर है। और इसमें जो है ये मैंने पोर्ट्रेट मोड के साथ पिक्चर ली हुई है, ये इसके जो है पोर्ट्रेट मोड की पिक्चर है। फुल ब्राइटनेस करके आपको मैं इसका रिजल्ट चेक करवा देता हूँ। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है पोर्ट्रेट कैमरे की इसके। ये इसके जो है फ्रंट कैमरे का रिजल्ट, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, काफ़ी अच्छा फ्रंट कैमरा इसका 32 MP है।
कोई एडिट मैंने नहीं की, नॉर्मल जो है पिक्चर क्लिक किया पोर्ट्रेट मोड में और काफ़ी अच्छा जो है इसका रिजल्ट है क्वालिटी। साइड से बड़ा अच्छा इसने जो है कैमरे को पोर्ट्रेट पिक्चर को पोर्ट्रेट किया है और काफ़ी अच्छी जो है पिक्चर आई है, क्वालिटी पिक्चर आई है। ये जो है पोर्ट्रेट मोड के अलावा पिक्चर है नॉर्मल और ये वाइड एंगल के साथ जो है कैमरा इसका वो पिक्चर है। काफ़ी अच्छे कैमरे इसके फ्रंट और बैक दोनों कैमरे इसके जो है काफ़ी अच्छे हैं और ओवरऑल फ़ोन जो है काफ़ी फास्ट है यूज़ करने के लिहाज से। अगर आप यूज़ करते हैं इसको नॉर्मल वगैरह या वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं उस लिहाज से काफ़ी अच्छी आपको जो है ये मोबाइल आपका यूज़ होता है और इतना वेट भी नहीं है। 4000 mAh की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, इतना इशू नहीं आएगा आपको बैटरी टाइमिंग में भी क्योंकि ये जल्दी जो है फास्ट चार्ज हो जाता है, इतना इशू आता नहीं है। बाकी इसके साथ ओवर बताया मैंने आपको अच्छी कंडीशन में है इसके पास, ये इस वक्त मेरे पास बॉक्स इसका अवेलेबल है और इसका ओरिजिनल सामान जो है मेरे पास इसका मिल जाएगा आपको, इसका फास्ट चार्जर मिल जाएगा आपको और टाइप सी जो है केबल मिल जाएगी, हैंड फ्री के साथ अवेलेबल नहीं है। बाकी जो इसकी प्राइस बताना चाहूँगा 38,000 rupees इस सेट की प्राइस है, 38,000 rupees सेट की प्राइस है। जो भी कस्टमर परचेज करना चाहते हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग GM Tech।